चलिए दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आए हूँ जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 23 फेब का ट्यूसडे के दिन। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ पे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया 14,640 पे, 341 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ, 2.28% नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दिए। एडवांसेस और डिक्लाइंसेस में देखें तो 40 डिक्लाइंसेस देखने को मिल रहे हैं और 10 एडवांसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिए 14,640 पे, तो चलिए पहले उसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, जो मंथली फेबली फेब का मंथली ऑप्शन चेन है। तो ऑप्शन चेन सब ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटर है पुट राइटर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और कहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा सपोर्ट है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए कॉल साइड में सबसे आप पहले चेक करेंगे तो 14,640 का लेवल है, 650 का वहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे देखते हैं तो कॉल साइड में सबसे पहले देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 14,700 का, वहाँ पे 15,000 कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, 21,000 ओएनटीएस देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ और देखें तो 14,800 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, 28,000 कॉल राइटर देखने को मिल रहा है और 37,000 यहाँ पे ओएनटीएस देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी पुट साइड में चलते हैं और पुट साइड में देखेंगे कहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट देखें तो 14,600 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है, जो कि 3,000 पुट राइटर देखने को मिल रहा है, 23,000 यहाँ पे ओएनटीएस देखने को मिल रहा है। तो नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो 14,600 का है, उसके नीचे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखे तो 14,500 का लेवल है, वहाँ पे 5,000 पुट राइटर देखने को मिल रहा है और 40,000 वहाँ पे ओएनटीएस देखने को। तो नीचे की तरफ 14,600 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 14,700 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी चार्ट पे चलते और चार्ट पे देखेंगे कि निफ्टी का क्या हाल है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बार इसको हमें चार्ट पे इसको 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लगाते, तो मैं डेली में नहीं लगाता लेकिन 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लगा दो। जैसे कि देख सकते हैं अच्छा खासा बेरिश मोमेंट मार्केट दिखा रहा है और जैसे कि अपने ब्लू कलर के जो ट्रेंड लाइन था उसको रिसर्च कर रही है नीचे की तरफ आ रहा है। और जैसे मैंने बताया था कि 14,873 के नीचे जाते थे एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, ये जो मैंने स्पेस भी डाला था इसकी वजह से, तो ये स्पेस भी उसने गैप फिल कर दिया। लेकिन नीचे की तरफ जो गैप फिल कर देखने को मिल रहा है, जो कि ब्लू लाइंस में मैंने लाइंस डाला है 14,470 का, 14,332 का, तो आने वाले कुछ दिनों में ये गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है निफ्टी। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग दिए 14,640 के यहाँ पे, तो नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो 14,577 का एक सपोर्ट है। कल अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेते तो फिर से बाउंस बैक लेके यहाँ पे 14,700 की लेवल को टच करता है। लेकिन 14,577 का कल अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो डायरेक्टली 14,770 का लेवल देखने को लगा। अगर 14,770 का लेवल को अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता तो ये नीचे की तरफ जो गैप फिल है वो गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है या एक दो दिन बाद देखने को मिल सकता है, ये अपने को देखना पड़ेगा निफ्टी में किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो 14,730 का है, उसके ऊपर निकालेगा तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि 14,800 की लेवल तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक बार इसको मैं 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे लगाता हूं और 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे भी देख सकते हैं अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम ही यहाँ पे शो कर रहा है मार्केट। तो चलिए इस तरह से देखा कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी और निफ्टी के लिए। चलिए अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटर है पुट राइटर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लगाया और जैसे कि देख सकते हैं 35,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया तो 35,150 के यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग, तो बैंक निफ्टी एक ज़्यादा वीक नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 35,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे 14,000 कॉल राइटर देखने को मिल रहे हैं, 26,000 का ओएनटीएस देखने को मिल रहा है। लेकिन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मेरे को 35,000 के लेवल पर देखने को मिलेगा, तो 35,000 के लेवल पर 4,300 पुट राइटर देखने को मिल रहा है और 44,000 का ओ एंट्रेस देखने को है। जब ये 35,000 लेवल ब्रेक करेगा तो शार्प फॉल नीचे की तरफ, जैसे कि देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल 34,700 का देखने को मिल रहा है सपोर्ट, वहाँ पे 5,000 पुट राइटर उसको ब्रेक करेगा तो 34,500 की लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे 9,000 पुट राइटर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखा कि कहाँ पे कॉल राइटर है पुट राइटर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक बार अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है एक बार देखने वाले। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ और यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक बार उसको 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लगा दिया और जब मैंने टूल्स लगा लिया तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ओके, तो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंक निफ्टी दिखा रहा है कि 35,000
556 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया, उसके बाद में 35,406 का लेवल ब्रेक किया, और नीचे की तरफ मेरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 34,900 में 35,000 का लेवल, जो कि ये वाला लेवल है, इसको मैं मार कर यहाँ पे तो 35,000 का लेवल है, इसने ब्रेक नहीं किया। जब भी कल अगर 35,000 का लेवल ब्रेक करेगा, एक शार्प डाउन मूव जो कि नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हो, मैं आपको अभी मार्क करके दिखाऊंगा कि अपन मार्क करेंगे तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा नीचे की तरफ। तो ये जो लेवल है जो कि निकल के आ रहा है 34,252 का, तो इस लेवल तक नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकता है, और नीचे की तरफ आता है तो ये लेवल के साथ ये वर्क सकता है बैंक निफ्टी। अगर 35,000 ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा बड़ा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नीचे की तरफ जो लेवल है ये जो कि निकल कर आए 35,500 का, उसको भी एक बार सपोर्ट ले सकता है। चलिए एक बार इसको 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे लगाते हैं और 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे देखें कि किस तरह से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देख सकते हैं। 35,406 का रेजिस्टेंस, अगर कल उसको रेजिस्टेंस लेता है वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो नीचे की तरफ आ सकते हैं, लेकिन इसको बुलिश होना है तो 35,500 के अबव अगर सस्टेन करेगा तभी एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि 35,800 के लेवल तक देखने को मिलता है। अभी तो मार्केट मेरे को सेल ऑन राइज देखने को मिल रहा है, जब भी आपको एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सेल कीजिए ऊपर की तरफ, जैसे ही आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है तब सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा बियरिश ट्रेंड एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और जिन लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया अभी तक तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलिस ब्लू एस 0 का डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको मेरा जो सपोर्ट ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन कर दूंगा। चलिए थैंक यू, और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और अदरवाइज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे अगर 50 अक्रॉस लाइक हो जाए तो मैं आपको लर्निंग वीडियो लाऊंगा। मैं बहुत दिन से आपको बोल रहा हूँ कि आप सबसे ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो लाऊं, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखते भी नहीं, और यहाँ पे मैं आपके लिए जब तक मेरा 50 लाइक्स का टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मैं आपके लिए कोई लर्निंग वीडियो नहीं लाऊंगा। चलिए थैंक यू।